हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में स्टाफ नर्सिस की भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, और आउटसोर्स भर्ती किस तरह से होती है। और अभी आपने देखा कि कोरोना काल के दौरान जो स्टाफ नर्सिस जो था वो रिक्रूट करी गई थी आउटसोर्स बेसिस पे, उनका इस साल क्या किया गया वो भी आपको पता होगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं ऐड अप करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2023 में जो पुराना एक पोस्ट कोड हुआ था, लास्ट टाइम HPSSC हमीरपुर ने कंडक्ट करवाया था, दो पोस्ट कोड थे जिसमें एक एक्स सर्विस मैन की वैकेंसी थी, बार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन, और उसके अलावा एक और पोस्ट कोड था। उनकी ज्वाइनिंग के बाद एक न्यूज़ आती है कि रोडू हॉस्पिटल में जो स्टाफ नर्सिस, और भी स्टाफ की कमी है लेकिन हम स्पेसिफिक स्टाफ नर्सिस के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो ये न्यूज़ आती है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि हिमाचल हाई कोर्ट में भी पैरामेडिकल स्टाफ और ये हॉस्पिटल में जितना भी स्टाफ रहता है उसके रिगार्डिंग जो है वो जनहित याचिका भी चली हुई है। तो यहाँ पे न्यूज़ में आने के बाद बैच वाइज भर्ती हिमाचल में स्टाफ नर्सिस की आती है, 21 वैकेंसीज बैच वाइज निकलती हैं, और अभी तक जो है वो उसमें आगे वो प्रोसेस नहीं हो पाई हैं। तो अगर हम रोडू हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे जो कैडरे है स्टाफ नर्सिस का, 31 का यहाँ पे कैडरे है। कैडरे से आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे जो एक सेटअप होता है पूरा कि इतनी स्टाफ नर्सिस होनी चाहिए, लेकिन ये न्यूज़ जो है वो अक्टूबर नवंबर की है। और इसमें क्या था, उस टाइम पे 9 स्टाफ नर्सिस हॉस्पिटल में थी, उसके अलावा 5 स्टाफ नर्सिस लेबर रूम में आउटसोर्स के लिए रखी गई थी आउटसोर्स बेसिस पे, तो टोटल आप मान लो कि 14 नर्सें, वैसे आउटसोर्स को रेगुलर कैडरे में नहीं काउंट किया जाता है, तो 17 वैकेंसीज वहाँ पे उस टाइम पे वैकेंट थी। फिर क्या होता है कि ये एक दो दिन पहले की ये न्यूज़ है, तो ये न्यूज़ आप देख सकते हो कि रोडू अस्पताल को मिली 9 नर्सें, तो जो 21 पोस्टें बैच वाइज निकाली गई थी तो उनके लिए अलग अलग जगह जो है, जो हमारे हिमाचल के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती थी कि रोडू हॉस्पिटल के लिए ये भर्ती निकाली गई है। लेकिन अब आप थोड़ा, मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो स्टाफ नर्सिस की, अब जैसे पोस्ट का नाम बदल के नर्सिंग ऑफिसर हो चुका है, तो आप सोचो कि अभी तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, ना NHM के तहत हमें भर्ती देखने को मिली, तो किस तरह से ये रिक्रूटमेंट हुई, ना आउटसोर्स बेसिस पे हमें कोई एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली। तो ये जो 9 नर्सिस रिक्रूट हुई हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 9 नर्सिस भी जो है वो आउटसोर्स बेसिस पे ही रिक्रूट हुई हैं। तो यहाँ से अगर आप अब पूरी एग्जैक्ट नंबर्स देखोगे तो अभी 31 का जैसे कैडर है वो तो सेम है, 9 नर्सिस वहाँ पे स्टाफ नर्सिस रेगुलर हैं, तो 14 नर्सिस वहाँ पे जो है वो अब आउटसोर्स बेसिस पे हो गई हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि टोटल अब वहाँ पे 23 पोस्टें जो है वो फिलअप हो चुकी हैं, तो अब टोटल बसती हैं 8 वैकेंसी वहाँ पे बसती हैं। तो अब हो सकता है कि बैच वाइज में से, वैसे भी किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाओगे वहाँ पे आपको 100% कैडरे कभी फिल होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन ये रिक्रूटमेंट कैसे हुई और किस बेसिस पे ये, क्या ये पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई, क्योंकि कहीं भी आपको इसके बारे में कोई जानकारी देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप मुझे बताओ कि क्या आपको इस भर्ती के बारे में पता था, या आपने कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट देखी थी, या आपने अप्लाई किया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और आपके, आपको जो है वो यहाँ पे बताना है। अगर आपको कुछ पता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो आपको पता है तो, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे। और मैं तो लगातार टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि पिछले एक साल में रेगुलर पोस्ट चाहे एक भी ना भरी गई हो, लेकिन बहुत सारी आउटसोर्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट हुई है, और इस तरह से रिक्रूटमेंट हुई है कि बाहर लोगों को पता भी नहीं है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी रिक्रूटमेंट हुई है। मैं कोशिश करता हूँ आपको उन सभी रिक्रूटमेंट्स के बारे में बताने की जिसके बारे में बाहर बहुत कम जो है वो पता चल पाता है, ताकि सभी को फेयर अपॉर्चुनिटी मिल सके और जो डिज़र्विंग लोग हैं वो वहाँ पे पहुँच सके। क्योंकि रेगुलर पोस्टें जब ख़त्म कर दी जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि
फिर आप इस तरह की वैकेंसी पे ही अब फोकस कर रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।